टेरेसी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने गाना देख लिया है अगर मैं आपको कहूं तो। हाँ या बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया है एक डॉटर एंड एक फादर का। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है आपने, बहुत ही ब्यूटीफुल। आई डोंट नो रियल में क्या बाहर आएगा, मैं रॉ फुटेज मैंने देख ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है। सो आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेल, जब ये गाना मैं राहुल से मिला, राहुल मुझसे मिलना चाहता था बिकॉज उसने कहीं कहीं सुना था मेरे दोस्त के जरिए, जो कॉमन फ्रेंड है, कि मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी है. तो उन्होंने बोला कि सर को गवा दो ना, मेरे पास इतने गाने हैं, मैं सर के लिए एक गाना लिखूंगा एंड आस्क हिम टू सिंग अ सॉन्ग एंड मेक अ नाइस म्यूजिक वीडियो. तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे. तो मैं गया मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे गाने सुनाए. बोला ठीक है, अच्छी है, आपकी आवाज़ ज़्यादा सूट कर रही है इस गाने के लिए. पता नहीं, मुझे फील नहीं आ रहा कि मुझे ये गाना गाना चाहिए. तो उन्होंने 7-8 गाने ऐसे सुना दिए. फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि यार ठीक है, इतना पता नहीं मेरा दिल नहीं आ रहा है किसी गाने पे. फिर उन्होंने, मेरे पास गाना है 4 साल पुराना, मैंने ये कंपोज किया था, अगर आपको ये गाना गाना है, वी नाइस सॉन्ग, प्लीज सी इफ यू लाइक इट. जैसे वो गाना बजा, मैंने तो देखा क्या गाना तूने कर दिया यार, ये तो कमाल का गाना है और इसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही अलग है. और जैसे ही वो ट्यून आई, मैं बोला कि ये धुन कुछ अलग है और ये जहन में रहेगी, एक बार सुनने में आपको उसमें दिलचस्पी आ जाएगी. सो टोल्ड हिम सी, मैं ये गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि ये आपके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि आपने इतने शिद्दत और प्यार से इसको गाया है, ये मैं आपका हक नहीं छीनना चाहता. हम ऐसा करते हैं कि मैं इस वीडियो, इस गाने का म्यूजिक वीडियो जो होगा मैं उसमें फीचर करूंगा, लेकिन कहानी अलग होनी चाहिए. तो सौरभ जो हमारा कॉमन फ्रेंड था, जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, जो उनका दोस्त भी है, वो यंगेस्ट डायरेक्टर है, वो 21 साल के डायरेक्टर है, यंगेस्ट डायरेक्टर, तो वो डायरेक्ट करना चाहते थे. तो मैंने कहा सौरभ, अगर हम ये गाना कर रहे हैं तो लोगों के लिए तो ये बहुत आम सी बात है कि प्यार बिछड़ना, मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है. सब गाने प्यार के बारे में है, सब गाने कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, विक्टिम होड, ये ना, ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है और बहुत घिसा पीटा लगता है. आई एम बोर्ड, तो मुझे कोई ऐसा वाला जोन नहीं जाना है. तो फिर हम लोग ने कुछ और सोचा कि वाई नॉट. तो एक फिल्म जो है, जो मैं लिख रहा था, उसके बारे में मैंने सौरभ को बताया. सौरभ ने कहा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, क्यों ना हम इस कॉन्सेप्ट के आगे पीछे कुछ करें. एंड दैट इज अबाउट अ फादर एंड डॉटर, क्योंकि मेरी फिल्म की जो कहानी, एक्चुअल फिल्म की जो मैं लिख रहा हूँ 3 साल से, वो भी इसके इर्द-गिर्द ही है. तो kind of we started developing the concept, और फिर वो concept develop हुआ और बाप बेटी के रिश्ते के बारे में बात की है. और एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता जो है, और कभी-कभी एक अकेला बाप, you know, single बाप जो अपनी बच्ची को सबसे बेस्ट परवरिश देना चाहता है, लेकिन उसके पास उसके हालात इतने अच्छे नहीं है और वो कहीं ना कहीं अपनी बच्ची को बताना नहीं चाहता कि उसके हालात बुरे हैं, तो वो झूठ बोलता है अपनी बच्ची को और बच्ची वो विश्वास करने लगती है. और फिर बच्ची को एक दिन उसको खुलासा हो जाता है, तो वो फिर वो बच्ची कैसे समझदार हो जाती है और वो जान लेती है कि उसके बाप ने क्या अरमान अपने खोए हैं उसको पालने के लिए. और फिर वो अपने बाप को एक एक मौका देती ताकि वो खुद के अरमान जी सके. तो इट इज अ यंग गर्ल गिविंग अ चाइल्ड अ फादर विंग्स टू फ्लाई. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी पॉजिटिव कहानी है. एंड आई होप कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे प्यार दिया है, स्पेशली विद यू नो बीइंग अ बी अ डांसर, कोरियोग्राफर, जज, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे एज एन एक्टर ऑल्सो भी स्वीकार करेंगे और यू नो चाहेंगे और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा. यही आशीर्वाद, यही दुआ मैं मांगता हूँ मेरे इस डेब्यू म्यूजिक वीडियो के साथ. मतलब ये मेरा डेब्यू नहीं है, मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किए हैं, मैंने बट दिस देखा, इज अ वेरी इमोशनल स्टोरी टेलिंग फिल्म वाला फील है. बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत ही दिल को छू जाने वाला ये गाना है ये। सो कुछ बताना चाहेंगे आप कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, जहां पर इतने हमारे हैंडसम टेरेंस जी हैं, बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया गया है, तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच. पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं एंड आपको अच्छा लगा गाना. इस गाने में बहुत मेहनत करी है ऑडियो में. ये हर एक आर्टिस्ट के पास बहुत सारे गाने होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे गाने हैं. सो आई थिंक मैं इस गाने को मेरे टॉप 10 में काउंट करता हूँ. एंड फाइनली मुझे मौका मिला है कि वो लोगों तक पहुंचाने का, और वो भी टेरेंस सर के माध्यम से. सो आई एम रियली हैप्पी. ऑडियो में बहुत बहुत मेहनत करी है. वीडियो में टेरेंस सर ने
इतनी इतनी मेहनत करी है जो आपको आज फाइनली देखने को मिलेगी, तो यू नो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. एंड मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये गाना इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, बट आज जब मैं फाइनल आउटपुट देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. टेरेंस सर का परफॉर्मेंस इज बियॉन्ड अमेजिंग. उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार करे हैं और जिसमें वो सबसे अच्छे हैं जो कि डांस है वो उन्होंने करा है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस. बहुत सारी चीजें सीख के जा रहा हूँ मैं इस गाने से. बिल्कुल बिल्कुल. और आप तो मतलब सोशल मीडिया पर भी बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, जिस तरह से आपका गाना देखा गया नेहा कक्कर एंड यू एंड जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया. सो बताइए कि ये जो बैक टू बैक आपको सफलता मिलती जा रही है, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, लोग प्यार देते हैं. मेरा करियर अभी स्टार्ट ही हुआ है, मुझे 3 साल हुए हैं बॉम्बे आए हुए. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं कुछ भी करता हूँ तो उसे सुनने के लिए लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं और मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं. सो ये हर गाने के साथ हो रहा है एंड मैं चाहूंगा कि हर गाने के साथ एक एक सीढ़ी ऊपर जाते जाऊं. और इस गाने से मुझे बहुत उम्मीद है, मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 सीढ़ी एक साथ क्रॉस कर जाऊंगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लोगों से कितना प्यार मिलेगा. बिल्कुल. एंड टेरेंस जी, जिस तरह से एक बाप और बेटी का रिश्ता जिस तरह से दिखाया गया है, मैंने आपका और एक सिंगल देखा था आप एंड दिगंगना सूर्यवंशी के साथ में, बहुत ही ब्यूटीफुल, वहां भी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल मैसेज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है. सो हम ऐसा माने कि अब आप ऐसे प्रोजेक्ट करने वाले हैं जहां पर एक सोशल अवेयरनेस हो, एक ब्यूटीफुल मैसेज आए. टेरेंस जी Absolutely, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिल्मों के माध्यम से अगर आप एंटरटेन कर सकते तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म इतना पावरफुल मीडियम है, या म्यूजिक वीडियोस या जो टेलीविजन है इतना पावरफुल म्यूजिक पावरफुल मीडियम है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उन पात्रों या उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ना चाहता हूँ जहाँ पे लोग उस कैरेक्टर को देख के अपने बारे में सोचने लगते हैं. वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ना कि वो सिर्फ देखते कि अरे वाह क्या एंटरटेनिंग था, क्या मस्त था, क्या हंसाया, लेकिन क्या या क्या रुलाया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो और लोग देखने के बाद वो फिर भी सोचने लगते हैं या बातचीत करने लगते हैं कि यार अपने मन के अंदर वो किसी को शेयर नहीं करते क्योंकि शायद